दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास Redmi का Note 10s है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करके ऑटो कॉल रिकॉर्ड आप चालू कर सकते हैं इस फ़ोन में किसी भी नंबर पे। तो इसके लिए आपका डायलर जो है इस फ़ोन में ओपन कर लीजिए और इसके बाद हम आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको जस्ट फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये 3 डॉट देख रहे हैं, आपको डायलर ओपन करने के बाद यहाँ राइट साइड में ऊपर 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके सेटिंग्स का ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। दोस्तों एकदम इजी है और आप भी कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दिख जा रहा है यहाँ पर, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए डिलेट रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर जो डिलेट रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको नेवर डिलीट का ऑप्शन पे चूज़ कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि अपना जितना रिकॉर्डिंग्स है वो हमेशा के लिए फ़ोन में सेव रहे तो यहाँ पर नेवर पे सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप चाहते हैं एक टाइम के बाद डिलीट हो जाए तो यहाँ पर ही दोस्तों आप टाइम जो दिन दिया गया 7, 14 और 30 डेज का, तो आप अपना चूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है, नंबर्स नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स। इस ऑप्शन को आप अगर क्लिक करते हैं तो ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये ऑप्शन को चालू हो गया, तो ये ऑप्शन चालू होने से क्या होगा, आपका फ़ोन में जो भी नंबर्स जिसका भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, मतलब कोई भी अननोन नंबर से आपका फ़ोन में कॉल आता है तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो जो नंबर्स आपका फ़ोन में सेव किया हुआ है उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा अगर ये सेटिंग को सिर्फ आप ऑन करके रखते हैं तो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों सेलेक्ट नंबर्स, यहाँ पर सेलेक्ट नंबर्स का ऑप्शन है, इसे भी आपको चालू कर लेना है। इसे चालू करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर चूज़ ए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इसे आप क्लिक करके अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगा आपका, और कॉन्टैक्ट लिस्ट से आप नंबर को चूज़ कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं जिस नंबर को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर उस नंबर से कॉल आता है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में सब नंबर का रिकॉर्ड नहीं होगा। जो नंबर यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रखेंगे 1, 2, 4, 10 जितना भी नंबर आप सेलेक्ट करके रखेंगे यहाँ लिस्ट में, वो सब नंबर से जो भी कॉल आएगा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। तो ये था 3 ऑप्शन दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग का, और कैसे करके रिकॉर्ड करना है ऑन करना हम टोटल इस वीडियो में आपको बता दिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही खास लगे।